हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम कीर्ति। आज के ट्यूटोरियल में हम LPC2148 को LED के साथ इंटरफेसिंग करेंगे इन सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले माइक्रो वर्जन केल ओपन करें, उसके बाद प्रोजेक्ट में जाके न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें। आपका कोई प्रोजेक्ट पहले से ओपन हो तो उसे क्लोज कर दें। यहाँ मैं मेरी फाइल सेव कर रही हूँ LED नाम से, क्योंकि मैं यहाँ पे LED ब्लिंकिंग का प्रोग्राम लिख रही हूँ। आप अपनी तरह से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं NXP सिलेक्ट करूँगी। NXP में मैं LPC2148 सिलेक्ट करूँगी। LPC2148 सिलेक्ट करने के बाद ओके, और देन यहाँ पे जो विंडो ओपन हो रही है इस पर नो पे क्लिक कीजिए। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल सिलेक्ट करूँगी और मैं मेरा LED ब्लिंकिंग का प्रोग्राम लिखूँगी। ये मेरा जो प्रोग्राम है उसे मैं पहले सेव करूँगी LED.c से, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा प्रोग्राम है वो मैं सी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, तो मैंने उसे LED.c से सेव किया है। देन सेव। अब मेरी फाइल सी फाइल सेव हो चुकी है, तो मैं उसे सोर्स ग्रुप पे डबल टैप करूँगी और ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरी LED.c है, उसे सिलेक्ट करके ऐड करके क्लोज कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो फाइल है सी फाइल वो ऐड हो चुकी है। अब मैं इसे सेव करूँगी और बिल्ड करूँगी। बिल्ड करने से यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम में जो कोई एरर है तो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो ज़ीरो एरर्स दिखा रहा है। तो मैं ये मेरा प्रोग्राम है उसे डिबग करूँगी, स्टार्ट डिबगिंग। यहाँ पे ओके, मेरा प्रोग्राम है वो डिबग हो चुका है। अब मैं स्टॉप डिबगिंग करूँगी। तो पहले से जो मेरी विंडो थी जहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा था, ऐसी विंडो आ गई है। अब ये मेरा जो प्रोग्राम है उसकी मैं हेक्स फाइल क्रिएट करूँगी। तो टारगेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, वहाँ उसमें आउटपुट में जाइए और क्रिएट हेक्स पर मार्क कीजिए और यहाँ पे अपनी जो प्रोग्राम है उसका नाम लिखिए। देन ओके। अब ये जो मेरी फाइल है उसका हेक्स क्रिएट हुआ है, तो उससे पहले मुझे सेव एंड बुल्ड करना पड़ेगा, तो ही मेरी हेक्स फाइल क्रिएट होगी। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएटिंग हेक्स फाइल। ये आपकी जो हेक्स फाइल है वो वहाँ पे सेव होगी जहाँ पे आपने अपने सारे प्रोग्राम, अपने जो LED का प्रोग्राम जो जहाँ पे सेव किया है उसी लोकेशन पे सेव होगी। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे LED नाम का फोल्डर है उस पर सेव किया है। तो यहाँ पे दिखाएगी हेक्स फाइल मेरी। ये LPC2148 के साथ LED का हेक्स कोड है। अब यह है, ये हेक्स कोड को मैं protous में ब्राउज करूँगी और LED है वो 2 सेकंड के लिए ऑन होगी और 2 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पोर्ट 0 की 8 नंबर की पिन पे LED कनेक्ट की है। अब मैं इसे प्ले करूँगी। इसमें मैंने अपने हेक्स कोड है वो ब्राउज करवाया है। अब मैं ये प्रोग्राम को प्ले करूँगी। अब देख सकते हैं कि 2 सेकंड के लिए LED ऑन हो रही है और 2 सेकंड के बाद मेरी LED ऑफ हो रही है। तो अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।